उसपे कहते हैं हम बलूचिस्तान के मसलों को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि आप इन छोटी छोटी माओं को, बच्चियों को इंसाफ तक नहीं दे सकते, आप इनके सर पर हाथ नहीं फेर सकते, तो आप कौन से बलूचिस्तान के नुमाइंदे निकले? और खास तौर पर जो यहाँ पर क्वेटा में मौजूद जो मीडिया है वो इसके लिए भी बायस शर्म है कि यहाँ पर अगर दूसरी कौमों की अगर एक छोटी सी धरना निकलती है तो वहाँ पर मजमा लगता है मीडिया वालों का, लेकिन कई दिनों से यहाँ पर खवातीन और बच्चे रोड पर गर्मी की शदीद धूप पर यहाँ पर बैठी हुई हैं, लेकिन एक मीडिया वाला तक हमें नजर नहीं आता, जो कि इंतहाई अफसोसनाक बात है। बलूचिस्तान के मसले को हर तरफ से इग्नोर किया जा रहा है। अभी मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, दिल पटा जा रहा है छोटे छोटे बच्चों को देखकर, माओं के आंसुओं को देखकर। कई कई सालों से जो है इनके बेटे लापता है, वो कह रहे हैं कि हम इसी आस पर बैठे हैं कि किसी ना किसी दिन हमारे बच्चों को बाजियाब किया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद लापता किया जा रहा है। प्यारों की बाजियाबी के लिए सड़कों पर बैठती रहेंगी। हमारा मुतालबा भी यही है, खासतौर पर वजीर आजम इमरान खान साहब से, जिन्होंने हाल ही में जो है हमसे मुलाकात भी किया था, बलूचिस्तान में जबरी गुमशुदगियों के खात्मे का जो है वादा किया था, और बलूचिस्तान के जो जितने भी मिसिंग पर्सन और लोगों की जबरी गुमशुदगियों को रोकने की बात की थी। तो हम उनको ये कहना चाहते हैं कि बलूचिस्तान में ये तसलसल रोज बरोज बढ़ता जा रहा है, इसमें कोई कमी नहीं आई है, बरए मेहरबानी आप इस पर एक्शन लें और बलूचिस्तान के माओं और बहनों को मजीद इस जो है दर्द और तकलीफ में मुब्तला ना करें। पाकिस्तान और उसकी हुकूमत के लिए बलोचों का हर दिन सड़कों पर आना एक मामूल की बात बन चुकी है, इसी वजह से इन्हें इन माओं और इन बेटियों का दर्द नज़र नहीं आता है। वो लोग जो ये कहते हैं कि बलूचिस्तान में जिबरी गुमशुदगी का मसला अल पजीर हो रहा है, वो अल हो चुका है तकरीबन, और हर दिन यही दावे करते हैं कि बलूचिस्तान का मसला हल हो चुका है, ये उन सब के लिए है। ऐसे हज़ारों खानदान मौजूद है जिनके बेटों को उनके सामने ले जाया जाता है मगर वो खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। आज हम ऐसे ही एक धरने में बैठे हैं जहां बलोच औरतें और बलोच मर्द अपने अपने खानदान के सरबरा टक्करी बहादुर अली की बाजियाबी के लिए धरना दिए बैठे हैं। क्या पाकिस्तान और इसकी मीडिया और जो नाम नयाद सोशल एक्टिविस्ट, ह्यूमन एक्टिविस्ट, क्या उन सबको पता है कि तीन दिन से एक खानदान अपनी मदद आपके तहत इस सड़क पर बैठा हुआ है? क्या आप सब लोग सोच भी सकते हैं उस अजियत को कि जब आपके घर के सामने से आपके किसी प्यारे को जबरदस्ती